सबने ताली। गीतहरू लिएर आज दिल्लीको प्रागणमा तपाईहरुलाई नचाउनुको निम्ति नेपालबाट आइसकेकी छिन् र जोरदार तालीले स्वागत गरौ सैमा श्रेष्ठलाई। हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्टको विशेष प्रस्तुति आज हरितालिका तीज महोत्सव 2071 मा पाल्नु हुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्ण दर्शक हरूलाई मेरो नमस्ते भन्न चाहन्छु र यहाँ वरिष्ठ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हाम्रो आचार्यजी हुनुहुन्छ लगायत सम्पूर्ण उहाँलाई पनि म यहीँबाट नमन गर्न चाहन्छु। Bye.
नाची दिनु भयो थैंक यू सो मच फेरि पनि आचार्य ज्यूलाई प्रणाम गर्न चाहन्छु र हाम्रो स्वाभिमानको होल युनिटलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबै जनालाई ह्याप्पी तीज सबैले थैंक यू मुस्ताङको स्याउकुइयो जुम्लाको स्याउकुइयो मुस्ताङको स्याउकुइयो जुम्लाको स्याउकुइयो विदेशी स्याउको भाउ भर्दैछ हुने खानेहरू त नेपालमै रमाउँछन् हुने खानेहरू त नेपालमै रमाउँछन् भारतमा रामबहादुर दाई एक्लै लड्दैछ दिल्लीमा श्याम बहादुर दाई एक्लै लड्दैछ हो कि होइन यहाँहरू सबैको हात माथि गर्नुहोस् प्लिज म सबैलाई हेर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू अचारी पनि ओके यता भइराखेको छैन थ्याङ्क यू मेचिनी हाम्रै हो महाकाली हाम्रै हो मेचिनी हाम्रै हो महाकाली हाम्रै हो ताप्लेजुङमा खबरदारी गर्नै पर्ने हो अघि बढ नेपाली त्यो नेपाल हाम्रै हो अघि बढ नेपाली त्यो नेपाल हाम्रै हो एक दिन त सबैले मर्नै पर्ने हो एक दिन त सबैले मर्नै पर्ने हो मुस्ताङको स्याउकुइयो जुम्लाको स्याउकुइयो विदेशी स्याउको भाउ बढ्दैछ हुने खानेहरू त नेपालमै रमाउँछन् इन्डियामा बालकृष्ण एक्लै लड्दैछ इन्डियामा बालकृष्ण एक्लै लड्दैछ नेपाली माटोमा अतिक्रमण बढ्दैछ नेपाली माटोमा अतिक्रमण बढ्दैछ विदेशीहरू सबै हाम्रै भुइँ चढ्दैछ नेपालमाथि दुनियाँको आँखा गर्दैछ नेपालमाथि दुनियाँको आँखा गर्दैछ मुस्ताङको स्याउकुइयो जुम्लाको स्याउकुइयो विदेशी स्याउको भाउ बढ्दैछ हुने खानेहरू त सहरमै रमाउँछन् दार्जिलिङमा विमल गुरुङ एक्लै लड्दैछ सिक्किममा विमल गुरुङ एक्लै लड्दैछ थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरूलाई एकचोटि मैले नेपाल सम्झाउन चाहेँ धन्यवाद छ म त नेपाली खाजा मिठो नेवारी खाना मिठो थकाली लाइदेऊ माया योजन छकाली ए मेरो कमी केमा छ भन्दैन किन मलाई राम्रीले गन्दैन म त नेपाली खाजा मिठो नेवारी खाना मिठो थकाली माया भन्दैनन् किन मलाई राम्रीले गन्दैनन्
लाइदो माया यो जन सकाली ओहो लाइदो माया यो जन सकाली हजुर नेपाली ठिटो मैले बोल्दा हुन्छ कि नमिठो मत नेपाली आज मिठो नेवारी खाना मिठो थकाली लाइदो माया यो ज्यान थकाली नेपाली ठिटो मैले बोल्दा हुन्छ कि नमिठो मत नेपाली आज मिठो नेवारी खाना मिठो थकाली लाइदो माया यो ज्यान थकाली ओहो लाइदो माया नेपाल घुम्न आउनु सही बालकृष्ण मत नेपाली आज मिठो नेवारी खाना मिठो थकाली लाइदो माया यो ज्यान थकाली ढिँडो र सिस्न नेपाल घुम्न आउनु सही बालकृष्ण मत नेपाली आज मिठो नेवारी खाना मिठो थकाली लाइदो माया यो ज्यान थकाली ओहो लाइदो माया यो ज्यान थकाली जी तिम्रो साथ चाहिन्छ जडीबुटी नेपालमै पाइन्छ मत नेपाली आज मिठो नेवारी खाना मिठो थकाली लाइदो माया यो ज्यान थकाली तिम्रो साथ चाहिन्छ जडीबुटी नेपालमै पाइन्छ मत नेपाली आज मिठो नेवारी खाना मिठो थकाली लाइदो माया यो ज्यान थकाली ओहो लाइदो माया यो ज्यान थकाली ओहो लाइदो माया यो ज्यान थकाली थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ नेपालमा धेरै प्रकारका जडीबुटी पाइन्छ सायद संसारमै नपाउने जडीबुटी नेपालमा पाइन्छ संसारमै नभएको प्राकृतिक सौन्दर्यता नेपालमा छ सबै चिज नेपालमा छ त्यसैले नेपाललाई माया गरिदिनुहोस् नेपाललाई सम्झिदिनुहोस् आदरणीय बालकृष्ण आचार्य बालकृष्णजी लगायतका जति पनि विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुन्छ यहाँहरू सबैलाई नेपाल आउन आग्रह गर्छु नेपाल आउन निम्त दिन्छु हामी अहिले पछि तिजका धेरै गीतहरू गाउनेछौँ अहिलेको लागि म स्टेजबाट बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते पर्खिनुहोस् बस्नुहोस् कार्यक्रम बाँकी छ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू हाम्रो स्वाभिमानको तर्फबाट युवराज बराल अनि प्रेम छेत्रीको बाहुलीबाट टोकन अफ लभ सानो भेट चढाउन चाहन्छौँ र किरण चोपडाज्यूलाई हामी यस मञ्चमा जोरदार तालीले उहाँलाई स्वागत गरौँ र उहाँलाई अब हामी टोकन अफ लभ हाम्रो स्वाभिमानको तर्फबाट यो सानो भेट दिन चाहन्छौँ र हामीलाई सधैँ नै यो भेटले सम्झनुहुन्छ भन्ने हामी आशा साँच्दछौँ श्रीमान आचार्य बालकृष्णज्यूलाई पनि हामी निम्ताउँदछौँ समाजसेवीको निम्ति उहाँले पनि पाउँ कष्ट गरेर यस मञ्चमा आइदिने अनुरोध गर्दछौँ आदरणीय आचार्य बालकृष्णजी
सभी यहाँ बैठे हुए विशेष विशिष्ट अतिथिगण और मेरे नेपाली भाई और बहनों, मुझे ये नहीं मालूम पड़ रहा कि मैं नेपाल में हूँ या भारत में हूँ। कहाँ पे हूँ, कहाँ पे हूँ? नेपाल और भारत दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। बहुत देर हो गई सुनते सुनते देखते देखते कि स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी हमेशा कोई अद्भुत काम करते हैं, अनूठा काम करते हैं। पहले अपने योग से और अपनी जड़ी बूटियों से देशों विदेशों में भारत का नाम किया आचार्य जी ने और स्वामी रामदेव जी ने, और आज एक अनूठा प्रयास, एक अद्भुत प्रयास और एक दिल को शांति देने वाला प्रयास जो आचार्य बालकृष्ण जी ने किया है, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देती हूँ आचार्य जी। अभी अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नेपाल गए थे और बहुत ही प्यार वहाँ से सम्मान और प्यार लेकर आए और सम्मान और प्यार आपस में देशों का बढ़ाया, उसी को फॉलो कर रहे हैं आचार्य बालकृष्ण जी और आप सब भी, क्योंकि भारत नेपाल के बिना अधूरा है, नेपालियों के बिना अधूरा है। जैसे अभी अभी एक सिंगर गा रहे थे, बहुत अच्छा गा रहे थे और पैर अपने आप उठ रहे थे उनके साथ, जैसे हमारे भारत जैसे सिंगर गाते हैं ना उनके साथ वैसे ही, और मुझे कोई फर्क नहीं लग रहा था, उनकी सब भाषा मुझे समझ आ रही थी कि हमारा आचार्य बालकृष्ण जड़ी बूटी वाला कई कुछ करता है, यही था ना। आज हम सब तीज के उत्सव पे इकट्ठे हुए हैं, भारत में भी तीज सेम मनाई जाती है जैसे नेपाल में मनाई जाती, वो आज हम सबको दिख रहा है, क्योंकि हमारे संस्कार सेम है, हमारी संस्कृति सेम है, हमारी परंपराएं सेम है, सिर्फ नाम ही नेपाल और भारत है। लोग सेम हैं, संस्कार सेम है, दिल सेम है, सेम एक जैसे दिल रखते हैं और एक जैसे संस्कृति है। जो डांस था वो भी एक जैसा था, तभी मैं आप लोगों के साथ स्टेप से स्टेप मिला पाई, बहुत अच्छा था। और तीज को भी मनाए और भारत और नेपाल के प्यार को भी मनाए, संस्कारों को भी मनाए, ये सब मैं आपसे आशा भी करती हूँ और गुड विशेस भी देती हूँ कि हमारा आपस में प्यार संस्कृति हमेशा कामयाब और जिंदाबाद रहे। जय हिंद।